हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी सब्जी की रेसिपी जिसे बहुत कम लोग ही खाना पसंद करते हैं। पर फ्रेंड्स, अगर आप इसे इस ढंग से बनाएंगे तो ना सिर्फ वो आपकी तारीफें करेंगे बल्कि एक बार नहीं बार बार खाने की डिमांड करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टा मीठा कद्दू, एकदम भंडारा स्टाइल में, जैसे कि मंदिरों में भंडारा में मिलता है, बिल्कुल वैसे ही हम इस सब्जी को आज बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। खट्टा मीठा कद्दू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है और उसमें ऐड कर दिया है साबुत लाल मिर्च, साबुत ज़ीरा, उसी के साथ साबुत मेथी और साबुत सौंफ। अब इन्हें अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे मोटे मोटे कटे हुए कद्दू के पीसेस। दोस्तों, यहाँ पर कद्दू को मैंने बिना छिलका उतारे मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है, एकदम भंडारे जैसा लुक और टेस्ट देने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर जो कद्दू मैंने यूज़ किया है वो बिल्कुल कच्चा ही है, बॉयल नहीं किया है। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी जल्दी बनानी है तो आप प्रेशर कुकर में बॉयल करके भी कद्दू का यूज़ कर सकते हैं। अब कद्दू को अच्छे से इस तेल में फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने साबुत ज़ीरा, साबुत मेथी और साबुत सौंफ का यूज़ थोड़ा ज़्यादा ही किया है, क्योंकि खट्टा मीठा कद्दू का जो असली फ्लेवर है वो इन्हीं मसालों से आएगा। अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काला नमक। अब अच्छे से इन मसालों को कद्दू में मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं, एक सुंदर सा कलर भी आ चुका है और किनारों से तेल भी छूटना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आमचूर पाउडर। दोस्तों, यहाँ पर मैंने रेसिपी को खटास देने के लिए आमचूर पाउडर का यूज़ किया है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप इमली के पल्प का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भंडारा स्टाइल बनाना चाहेंगे तो आपको आमचूर पाउडर का ही यूज़ करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो कद्दू का मैंने यूज़ किया है वो बिल्कुल कच्चा ही है, तो उसे पकाने के लिए अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। अब हम इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, हमें कद्दू को तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा नरम हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई हरी धनिया पत्ती। दोस्तों, थोड़ी सी धनिया पत्ती हम रख देंगे लास्ट में यूज़ करने के लिए। इस रेसिपी में धनिया पत्ती का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उससे भी खट्टे मीठे कद्दू का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। रेसिपी को थोड़ा तीखा बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च और इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स करते हुए हम फिर से छोड़ देंगे कद्दू को पकने के लिए। दोस्तों, इस बार हमें कद्दू को तब तक पका लेना है जब तक कि कद्दू पूरी तरह से गल जाए, एकदम नरम हो जाए। यहाँ पे 10 से 15 मिनट पकने के बाद कद्दू एकदम अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी रेसिपी को मिठास देने के लिए, और रेसिपी को चटपटा बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला, और साथ ही में ऐड कर देंगे गरम मसाला और खूब सारी कटी हुई हरी धनिया पत्ती। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करते ही दोस्तों खट्टा मीठा कद्दू बनकर तैयार है, एकदम भंडारा स्टाइल में। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस रेसिपी को ग्रेवी वाला बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस खट्टा मीठा कद्दू की रेसिपी को गरम गरम स्टीम राइस के साथ सर्व करिएगा, ये डेफिनेटली आपको और आप जिन्हें खिलाएंगे उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में ऐसी ही न्यू एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।